हाय गाइस, वेलकम टू करी विद कमल। तो आज हम बनाएंगे चिकन के कीमे की कोफ्ता करी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कोफ्ते बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम चिकन का बारीक कुटा हुआ कीमा ले लिया है। इसमें 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे, 1 छोटा प्याज एकदम बारीक कटा हुआ है वो ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून देसी घी डालेंगे, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आधा टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधा टीस्पून चिकन मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसल मसल के मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मसल कर इसका एक डो तैयार कर लिया है। हाथों में थोड़ा सा तेल लगा के हाथों को ग्रीस कर लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेके दोनों हाथों से रोल करके इसके इस तरह से कोफ्ते तैयार करेंगे। देखिए, ऐसा राउंड शेप दे दिया है हमने। इसी तरह से हम सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये मैंने एक कढ़ाई में कोफ्ते आधे डूबे इतना तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें एक एक करके कोफ्ते डाल देंगे। बीच बीच में हम इसको पलटते पलटते रहेंगे जिससे कि चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अभी मैं आधे कोफ्ते फ्राई कर रही हूँ, इसे निकालने के बाद आधे फ्राई करूंगी। कुछ ही देर में देखिए, ये कोफ्ते अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। तो हम इसको निकाल के अलग से प्लेट में रख देते हैं। और इसी तरह से बाकी के कोफ्ते भी फ्राई कर लेंगे। तो चलिए अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 बड़े प्याज ले लिए हैं। उसको इस तरह से रफली काट लेंगे और ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसे ग्राइंड करके इसका एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये हमने प्याज का एकदम स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब 2 बड़े टमाटर लेके उसको भी रफली काट के ग्राइंडर जार में डाल देंगे। 2-3 स्लिट की हुई हरी मिर्च डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, वैसे ही बारीक कटा हुआ थोड़ा पुदीना ऐड कर देंगे और इसे ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये हमारा टमाटर धनिया पुदीने का पेस्ट रेडी है। अब हम मसाले भी इसी में कर देंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा नहीं होता पर इससे रंग बहुत अच्छा आता है, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अलग से रख देंगे। तो सबसे पहले हम पिसा हुआ प्याज गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ। प्याज को बिना तेल के गर्म पैन में डायरेक्ट ही डाल दें और प्याज का सारा पानी जला लें और प्याज को एकदम सूखा कर लें। जनरली पिसा हुआ प्याज अगर आप गर्म तेल में डायरेक्ट डालते हो तो वो जल्दी ब्राउन नहीं होगा और बहुत ज़्यादा तेल भी पिएगा। तो अगर इस तरह से प्याज का पानी सुखा लेंगे तो प्याज बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और तेल भी बहुत कम पिएगा। तो अब हम इसको चलाते हुए भूनते जाएंगे और इसका सारा पानी सुखा लेंगे। देखिए, कुछ ही देर में ये हमारा प्याज एकदम सूख चुका है, इसका सारा पानी जल चुका है, ये ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें 4-5 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर देंगे। देखिए, अब तेल डालने के बाद जब हम इसको सॉटे करेंगे तो कितना जल्दी ब्राउन हो जाएगा। साथ में ही हम इसमें दालचीनी के टुकड़े, थोड़ी सी लौंग और काली मिर्च ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज के गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सॉटे करेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। देखिए, सिर्फ 1 ही मिनट में ये हमारा प्याज एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तेल भी अलग हो चुका है। तो अगर आप ये ट्रिक आजमाओगे तो बहुत जल्दी प्याज ब्राउन हो जाएगा, तेल भी कम पिएगा और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी आएगी। प्याज के अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने पर अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक सॉटे करेंगे। 1.5 मिनट के बाद अब हम इसमें हमारा टमाटर वाला मसाला ऐड कर देंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे।
उसी बर्तन में 2-3 टेबलस्पून जितना पानी डाल के खंगाल के अंदर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ग्रेवी में से तेल अलग होने तक इसे पकाएंगे। देखिए कुछ ही देर में टमाटर अच्छे से पक चुका है, ग्रेवी में से तेल भी किनारियों पे अलग हो चुका है। तो अब हम इसमें आधा कप यानी 100 ml जितना फेटा हुआ दही ऐड कर देंगे। उस टाइम हम फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। दही ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे ही दही गर्म होता है तुरंत हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक के दही अच्छे से पक नहीं जाता और ग्रेवी में से तेल अलग नहीं हो जाता। देखिए कुछ ही देर में दही भी अच्छे से पक चुका है, इसमें से तेल भी अलग हो चुका है, दही की कच्ची स्मेल भी चली गई है। तो अब हम इसमें हमारे कोफ्ते ऐड कर देंगे। इसको मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेंगे। ये हमने कोफ्तों को मसालों के साथ अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें 1.5 कप यानी 300 ml जितना पानी ऐड कर देंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके मीडियम फ्लेम में 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। कवर करके भी हमने इसको 15 से 17 मिनट तक पका लिया है। बीच बीच में हम इसको चलाते भी रहे थे। देखिए ये हमारी चिकन कीमे की कोफ्ता करी बनके रेडी है। तो अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जितना चिकन मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। साथ में ही थोड़ी सी कसूरी मेथी को मैंने भून के हाथों से क्रश करके रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसको अच्छे से एक बार चला लेंगे और इसको कवर करके 2 मिनट तक और पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद रेडी है हमारी चिकन कीमे की कोफ्ता करी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो लीजिए रेडी है डिलीशियस चिकन कीमे की कोफ्ता करी। तो इसे धनिया से गार्निश करें और गर्मा गर्म रोटियों के साथ सर्व करें। तो चलिए जल्दी फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। पर इसके पहले सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।